कुछ नहीं समझने वाले कॉन्वर्सेशन के बाद फाइनली झगड़ा सॉल्व हो गया। हम देन राइट का लेन पकड़ के फाइनली ट्रैफिक से निकल गए। ट्रैफिक निकलते ही आपको बेलागावी के साइड एक टू लेन हाईवे 10 से 15 किलोमीटर का ये पैच मिल जाएगा। लेन हाईवे, एक साइड से गाड़ियाँ जा रही है और एक साइड से गाड़ियाँ आ रही है, सो ओवरटेकिंग इज अ रिस्की कॉल। फिर हम कनेक्ट करते हैं एक्सप्रेस वे जो कि एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है। यहाँ पर थोड़ा हम लोग ने टॉप स्पीड टेस्ट किया एंड हियर आर द रिजल्ट। सो नाउ इफ यू आर इन साउथ एंड नारल पानी आप नहीं पियोगे ऐसा तो होगा ही नहीं। एंड आपको ये पूरी जर्नी रोड ट्रिप पे इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप ये सिर्फ नज़ारे देख रहे हो। उबाली के आगे हम लोग का लास्ट टैंक कोल्हापुर से फुल किया था, तो 250 किलोमीटर अप्रॉक्स चलने के बाद हम लोग सीएनजी ढूंढ रहे थे। यहाँ पर सीएनजी मोस्ट ऑफ द पंप्स आउट ऑफ सर्विस ही थे। फाइनली हमको दवनागिरे में अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर पेट्रोल पे चलने के बाद सीएनजी मिल गया। सो अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 600 किलोमीटर ऑफ ड्राइव इट्स 8:30 इन द नाइट एंड वी आर हियर इन बैंगलोर। सिंस इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ट्रैवल एट नाइट इन एनी स्टेट इफ यू आर इन न्यू प्लेस एंड हियर आई एम टायर्ड बट स्टिल एंजॉइंग माई जर्नी। So we have decided to stay at Bangalore itself and kal subah Bangalore ghumke we might head to Madurai. Signing off for the day. See you guys in part 3 on the way to Madurai. Good night.